नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2020-21 के डाटा को सबमिट करने के बाद में वैलिडेट किस प्रकार से किया जाना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। यूडाइस प्लस 2020-21 के डाटा को सबमिट करने के बाद में वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पीसी में गूगल क्रोम ओपन करना है। जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध है, आप अपने मोबाइल की सहायता से भी यूडाइस प्लस के डाटा को सबमिट कर सकते हैं और सभी कार्य आप यूडाइस से संबंधित कर सकते हैं। इनसे संबंधित आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको किस प्रकार से भरा जाना है एवं यूडाइस प्लस से इम्पोर्टेंट जो भी आपके टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग वीडियो भी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। गूगल क्रोम में यूडाइस प्लस की वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आपको अपनी आईडी और पासवर्ड सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको अपने स्कूल से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको नीचे दिखाई देगा क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ओके प्रेस करना है। ओके के बाद में आपके द्वारा जो यूडाइस की जो स्थिति है वो आपको दिखाई देगी, जो भी आपने सबमिट किया है। इसमें फर्स्ट में लेफ्ट साइड में आपकी सेलेक्ट लैंग्वेज है, उसके बाद में आपका स्टेटस है और स्टेटस के बाद में ओवरऑल स्टेटस है। अगर आपका ओवरऑल स्टेटस कंप्लीटेड ऑल फॉरम्स आ रहा है तो ही आप अपने यूडाइस को वैलिडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो डाटा है वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपकी टेबल नंबर 41 उसमें लिखा हुआ है वैलिडेशन एंड कंप्रेशन। इसमें वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको वैलिडेशन की जो टेबल है वो टेबल आपको दिखाई देगी। इसके राइट साइड में स्टेटस लिखा होगा जिसमें आपको अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप वैलिडेशन करेंगे उसके बाद सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल के दो ऑप्शन आपको इसमें दिखाई देंगे। कुल आपकी 15 टेबल हैं। 15 टेबल के सबसे नीचे आपको लिखा हुआ है वैलिडेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे अब आपके जो टेबल हैं उनके सामने आपको सक्सेसफुल लिखा आएगा। अगर किसी टेबल के सामने आपको गलती से सक्सेसफुल की जगह क्रॉस लिखा दिखाई देता है तो आपको पुनः उस टेबल में संशोधन करना है। उस टेबल को आपको ओपन करने के बाद में उसमें जो भी आपको करेक्शन के लिए इसमें बताया जाता है उस करेक्शन को आप करें, उसके बाद में पुनः आपको वैलिडेट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप DCF डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे अपने DCF को सर्टिफाइड किस प्रकार से किया जाना है। अभी अगर आप सर्टिफाइड करने जाएंगे तो अभी लिखा आएगा सर्टिफिकेशन इज नॉट येट एक्टिव, अभी सर्टिफिकेशन को एक्टिव नहीं किया गया है। जब भी इसे एक्टिव किया जाएगा आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।